हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है चॉपिंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से यूज करते हैं और कौन कौन से चॉपिंग बोर्ड कहां पर यूज करना है, कौन से वेजिटेबल पे कौन पे मीट पे यूज करते हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम अनिल कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलो, चॉपिंग बोर्ड अलग अलग होटलों में अलग अलग तरह से यूज करते हैं और छह प्रकार के चॉपिंग बोर्ड होते हैं। दोहरा देता हूँ, जो येलो होती है रॉ पॉटरी के लिए होती है, जो रेड होती है और ड्रॉप मीट के लिए होती है, जो हमारी ब्राउन होती है वो हमारे कुकड मीट के लिए होती है, जो ग्रीन होती है वो हमारी वेजिटेबल्स के लिए होती है और रॉ रूट के लिए होती है, और जो हमारे वाइट वाली आपको दिख रही हो ये वाइट हमारी यूज होती है आप डेरी प्रोडक्ट्स और बीमारी होती है फिश के लिए, रॉ फिश के लिए ब्लू होती है यूज होती है। तो आप जैसी जानकारी आपको कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी आप चॉपिंग बोर्ड धो रहे हो, किसी चीज़ को कट कर रहे हो या ओनियन हो या प्याज हो, किसी को कट रहे कर रहे हो तो उस चीज़ को आप चॉपिंग बोर्ड को गर्म पानी से आपको धोना है। की जगह में फ्रूट काटते हैं तो वो हमें क्रॉस कंटामिनेशन कहलाता है, इसलिए करेक्ट कलर चॉपिंग बोर्ड पे हमारे यूज करें। देखिए, कट करने के बाद इससे क्या होता है कि उसमें हमारे कट मतलब अच्छी तरह से उसको धोते हैं। जैसे हम कोई प्याज काट रहे हैं, प्याज काट करने के बाद हमको चॉपिंग बोर्ड को वैसे ही नहीं छोड़ना है, उसको हम अच्छी तरह से उसको वॉश करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद हम उसको वापस रखेंगे अपनी जगह पर। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप कट कर रहे हो नाइफ और चॉपिंग बोर्ड को ज़रूर धोएं। इससे क्या होती है कि जो उसका स्मेल होता है वो दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा, प्लस हमारे जो बैक्टीरिया उसमें मिलेंगे वो नहीं हो पाएंगे, बैक्टीरिया नहीं आएंगे, ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। इसलिए किसी चीज़ को गलत तरीके से और गलत जगह पे नहीं यूज करना है। हमारे लिए चॉपिंग बोर्ड के अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग कहाँ पे कौन सी चॉपिंग बोर्ड यूज करनी है वहाँ पे हमें चॉपिंग बोर्ड यूज करनी है, जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे आपको यूज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे वीडियो लाने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को